जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं सुग्रीव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। दोस्तों आज बात करेंगे इन्वेंट्री अपडेट के बारे में और आज डिस्कस करेंगे ऐसी इन्वेंट्री के बारे में जो हम आपको काफी सस्ती देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक 3BHK फ्लैट की। ये 3BHK फ्लैट दोस्तों मेन मेट्रो लाइन से सिर्फ 800 या 900 मीटर के डिस्टेंस पर है, बड़ी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में विद लिफ्ट विद कार पार्किंग ये फ्लैट आपका रहने वाला है। 3BHK का फ्लैट है, ऑलमोस्ट 80 स्क्वायर यार्ड के सेवेरी में आपको मिलेगा और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो कीमत है वो काफी रीजनेबल है। सिर्फ 34,50,000 रुपए में हम आपको ये फ्लैट दे सकते हैं और इतनी कम कीमत पर दिल्ली के अंदर द्वारका मोड़ की लोकेशन में फ्लैट मिलना आप समझ सकते हैं कि काफी मुश्किल है। तो ये फ्लैट आपको जरूर देखना चाहिए। अब बात करेंगे सेकंड इन्वेंट्री के बारे में। ये सेकंड इन्वेंट्री है दोस्तों जो कि 3BHK का ही फ्लैट है लेकिन 90 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है और 100 स्क्वायर यार्ड के स्लैब एरिया में है। मेन मेट्रो लाइन से सिर्फ 600 या 700 मीटर के डिस्टेंस पर है और विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है। दोस्तों ये फ्लैट भी आपको जरूर पसंद आएगा और इसकी जो कीमत है वो है सिर्फ 35,90,000 रुपए। क्या आप बिलीव कर सकते हैं इतनी कम कीमत पर दिल्ली में मेट्रो स्टेशन से इतना नजदीक 3BHK का फ्लैट आपको मिल सकता है, लेकिन मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पर।
इसके अलावा दोस्तों लास्ट जो हमारी वीडियो गई है उस वीडियो में भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र किया है, जो प्रॉपर्टी काफी सस्ती हम आपको देने वाले हैं। उनमें एक प्रॉपर्टी 100 स्क्वायर यार्ड की है, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी दोस्तों हमारी 60 स्क्वायर यार्ड के स्लैब एरिया में है, टॉप फ्लोर है, विद रूफ राइट है, विद लिफ्ट है, विद कार पार्किंग है और बहुत सस्ती कीमत पर है। तो वो वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक भी हम लोग डाल रहे हैं दोस्तों, तो ये भी आप जरूर देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो में आपके जो मतलब के फ्लैट्स हैं वो आपको मिल जाए। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों जुड़े रहिएगा गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।